क्या आपको केरला और लद्दाख के नज़ारे एक साथ चाहिए? तो आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ एक अनोखे सफर जो है लाचेन से गुरु डोंगमर लेक तक। हम बाग डोगरा से लाचेन की ओर निकले और सफर में जो हरकतें देखी वो कमाल की थी। एक्सट्रीम ग्रीनरी, पानी के झरने और हसीन लैंडस्केप्स ने हमारा दिल चुरा लिया। ऐसा लग रहा था मानो हम केरला पहुंच गए हैं। शाम तक हम लाचेन अपने होटल पहुंचे जो कि हरे भरे पहाड़ों के बीच में था। एक रात लेकिन लाखों यादें। अगली सुबह लाचेन से हम निकले गुरु डोंगमर लेक के लिए जो कि 17,800 फीट की ऊंचाई पर है और ये दुनिया की सबसे ऊंची लेक में से एक है। ये लेक बौद्ध धर्म के भक्तों के लिए पवित्र मानी जाती है। जब हम निकले तब मौसम ने करवट बदली और रास्ते बादलों से घिरने लगे। तभी हमारे ड्राइवर ने सजेस्ट किया कि हमें काला पत्थर भी जाना चाहिए। फिर क्या था, हमने रास्ता बदला और निकल पड़े चौपटा होते हुए काला पत्थर की तरफ। सरप्राइज होने की बात नहीं, उत्तराखंड की तरह सिक्किम में भी एक जगह है जिसका नाम चौपटा है। चौपटा से काला पत्थर का जो रास्ता था वो इतना ब्यूटीफुल था कि मैं शब्द में बता नहीं सकती। सिंस हम यहाँ जुलाई में गए थे तो हमें सिर्फ थोड़ी सी ही स्नो दिखी, बट हम ऊपर से उस वैली को देखकर काफी खुश थे। मंत्रमुग्ध होकर हम आगे की ओर बढ़े और फिर आर्मी कैंप्स के बीच हमें दुनिया का सबसे ऊंचा डोसा पॉइंट मिला जो कि इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए थांगू विलेज में रुके जो कि उस रूट पर इंडिया का सबसे लास्ट विलेज था। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़े गुरु डोंगमर लेक की तरफ जिसकी एंट्री सिर्फ 12 बजे तक ही होती है। ये पूरा एरिया आर्मी कंट्रोल करती है इसलिए डिसिप्लिन्ड रहना बहुत जरूरी है। इसके रास्ते को देखकर ऐसा लगा कि हम अचानक केरला से लद्दाख पहुंच गए हैं। हमने ऐसा ट्रांजिशन एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ब्राउन प्लेट्यूज, क्रिस्टल क्लियर ब्लू स्काइज देखकर हम तो बस मेस्मराइज्ड ही हो गए। लेक पहुंचने से पहले हमको थोड़ी ऑफरोडिंग भी करनी पड़ी और उसके बाद जो हमने देखा वो तो बस आउट ऑफ द वर्ल्ड था। क्या व्यू था। सच बताऊं दोस्तों, लद्दाख के पैंगोंग लेक की याद ताजा हो गई। 17,000 फीट पर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी तो थी बट इस लेक के व्यू को देखकर हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस ही नहीं हुई। आप चाहें तो यहाँ शांति से बैठ भी सकते हैं या इसके किनारे एक लंबी वॉक भी ले सकते हैं। ये एक्सपीरियंस हम कभी भूल नहीं सकते क्योंकि हमने इस जर्नी में दोनों केरला और लद्दाख का मजा एक साथ लिया।